आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरेशी इस वक्त हूँ फ्रांस के मोंब्लांक में। ये मोंब्लांक, जैसा मैंने पहले बताया, मोंट ब्लैंक जिसे कहा जाता है इंडिया में, वो मोंब्लांक है। और मोंब्लांक पहाड़ यहाँ पर काफी मशहूर घाटियां हैं। दुनिया का मशहूर पेन आपने देखा मोंब्लांक के नाम से, जो है जिसे मोंट ब्लैंक में बार बार ये बात कहता हूँ। इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें आती है, लेकिन पेन काफ़ी मशहूर है। तो ये मोंब्लांक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये यहाँ का बेस, नीचे जो इलाका है घाटी के नीचे, वो ये इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत जगह है मोंब्लांक। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रहता है। सबसे पहले अभी हम लोग खड़े हैं मोंब्लांक में, जहाँ पर पार्किंग एरिया है, जो मेन डेस्टिनेशन यहाँ पर है। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह सब पार्क करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी पार्किंग वगैरह है। इसके अलावा बहुत अलग मुख्तलिफ जगहों पर, अलग अलग बहुत ज़्यादा जगहों पर पार्किंग वगैरह है। आप ऊपर वो पहाड़ भी देख सकते हैं जहाँ पर पूरा बर्फ़ आपको नज़र आ रहा है, तो वो जो पहाड़ है। और ये आप देखें, काफ़ी फिल्मों में देखा होगा आपने इस तरह का, ऊपर कई गाने वगैरह ही बॉलीवुड फिल्मों के यहाँ पर शूट हो चुके हैं। ये वो जगह है, ऊपर जो पहाड़ है, लोग जाते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन दिए हुए हैं कि घूमने के लायक कौन सी जगहें हैं। आप देखिए पूरा ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा, ऊपर पूरा बर्फ़ आपको नज़र आएगा, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छे लकड़े के मकान वगैरह सारे बने होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, पुरानी इमारतें लकड़े की आप देखें। और जब यहाँ से आपको अगर शुरुआत करनी है, तो जब आपको मोंब्लांक पहाड़ पर जाना है ऊपर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये टिकट सेंटर बना हुआ है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। काफ़ी लोगों की लाइन आपको नज़र आएगी, काफ़ी लोग लाइन में खड़े हुए हैं वहाँ पर। और एक टिकट 55 यूरो का एक टिकट होता है, 55 यूरो। एक यूरो का आप 90-92-93 रुपया कुछ चल रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 55 यूरो का कितना होता है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो टिकट हम लोग लेंगे, वो 55 यूरो का टिकट यहाँ से हम लेंगे, और उसके बाद से हम ऊपर जाएंगे। और ऊपर जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जो बर्फ़ है, जो मेन पहाड़ है मोंब्लांक जिसे कहा जाता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे, वो आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो टिकट की लाइन में लगे हैं, आप देखिए, और जैसा मैंने बताया कि 55 यूरो का एक टिकट होता है। अब 55 यूरो यानी तकरीबन 5,500 के आसपास एक टिकट होता है यहाँ से ऊपर जाने का। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और यहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ से जर्नी शुरू होती है ऊपर पहाड़ पे जाने की, हिल स्टेशन जिसे कहें आप। आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत बर्फीले पूरे पहाड़ वगैरह सारे हैं। तो मोंब्लांक जो कंपनी है, जो ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड जो है मोंब्लांक, इसे मोंब्लांक कहा जाता है यहाँ पर फ्रेंच में मोंब्लांक। तो ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है। मुझे भी नहीं पता था कि ये किसके नाम से रखा गया है। मुझे ख़ुद को भी, जब मैं स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस आया, तो यहाँ मुझे पता चला, सारी चीज़ें मैं घूमा देखा मैंने, तो अब मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, जो मोंब्लांक लग्जरी ब्रांड जो है, वो असल में इस पहाड़ के नाम से रखा गया है। मोंब्लांक जो पहाड़ियाँ हैं, उसके नाम से इस लग्जरी ब्रांड का नाम रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना हिमालया, अब हिमालया जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालया पर्वत पर से ही हमारे यहाँ पर कई सारे ब्रांड्स के नाम हैं। हिमालया बुलेट की, जो इनफील्ड की जो बाइक है हिमालया, उसका नाम भी हिमालया है। और इसके अलावा एक दवाओं का जो ब्रांड है हिमालया, वो भी हमने देखा। और कई कॉस्मेटिक्स वगैरह भी, बच्चों के पाउडर्स वगैरह, लोशंस वगैरह भी आते हैं हिमालया के, वो भी हमने देखे। तो इसी तरह जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हिमालया के नाम से है, हमारा पहाड़ हिमालया, भारत का बड़ा मशहूर, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत में से एक हिमालया, तो उसी तरह यूरोप में जो है वो मोंब्लांक जो है, वो यहाँ का सबसे ऊँचा पहाड़ है, और उसी के नाम पर से लग्जरी ब्रांड मोंब्लांक जो नाम है वो रखा गया है। काफ़ी महंगा ब्रांड है, और काफ़ी यहाँ पर डिसिप्लिन, यहाँ की साफ़ सफाई, वाकई में आँखों को कहते ना एकदम चकाचौंध अलग है, आँखों को छू लेने वाली चीज़ें, बहुत साफ़ सफाई, डिसिप्लिन, हर तरह से मेंटेन। लोग भी यहाँ के बड़े अच्छे इंसान, यहाँ की इंसानियत है काफ़ी यहाँ के लोगों में। तो भारत में जिस तरह का माहौल है, मैं तो कुछ अभी कमेंट कर नहीं सकता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अलग इंसानियत, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत इंसान, दिल से भी खूबसूरत, शक्ल से भी खूबसूरत,
हर चीज़ से खूबसूरत। तो ये पालनहार की ऊपर वाले का ये क्रिएशन है जिसे हम देखते हैं। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को, स्विट्ज़रलैंड को, फ्रांस को, इन वादियों को, मोंट ब्लांक को, इन तमाम चीज़ों को हमने सिर्फ़ फ़ोटोज़ में देखा था, कंप्यूटर्स के स्क्रीन सेवर में, वॉलपेपर में देखा था। पहली बार यहाँ अपनी आँखों से देखते हैं और जब फ़ोटो में इतना खूबसूरत लगता है, ये तमाम चीज़ें फ़ोटो में इतनी खूबसूरत लगती है, तो आप सोचें कि अपनी आँखों से जो पालनहार ने, जो ईश्वर ने, जो अल्लाह ने हमें जो आँखें दी है, उस आँखों से हम डायरेक्ट देखते हैं तो वो अलग ही रहता है। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि जो चीज़ें हम अपने मोबाइल में, कैमरा में जो कैप्चर करते हैं, तो वो भी क्लैरिटी वो नहीं आ सकती जो ईश्वर ने, अल्लाह ने, पालनहार ने जो हमारी आँखों में जो कैमरे दिए, जो लेंस दिए, जो आप चोटी की खूबसूरती, बड़ी खूबसूरती साफ देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, वो काम कोई कैमरा या मोबाइल तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं पूरी दुनिया में, जो मेरे फॉलोवर्स हैं फेसबुक के, जो मेरे यूट्यूब चैनल देश लाइव के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आपको मैं एक सैर आपके घर बैठे करवा रहा हूँ मोंट ब्लांक की, फ्रांस की, स्विट्ज़रलैंड की, अलग अलग जगहों की। तो ये वो खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर आज मैं आया हूँ, मोंट ब्लांक। अब देखते हैं ऊपर जाएंगे, ऊपर भी जाकर ज़रूर वहाँ की खूबसूरती भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप वहाँ की खूबसूरती को देखें, और कभी मौका मिले तो ज़रूर आएँ। जो चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई, जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई, जो चीज़ें पालनहार ने, ईश्वर ने बनाई, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस तरह की खूबसूरती यहाँ पर है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ खूबसूरती होना किसी जगह का वो नहीं रहता है, वहाँ पर लोगों में कितनी इंसानियत है, ये बड़ी अहमियत वाली चीज़ है। वहाँ की सरकारें कैसी है, वहाँ का प्रशासन कैसा है, साफ़ सफाई कैसी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल डिसिप्लिन में बना हुआ ये शहर, ये हिल स्टेशन मोंट ब्लांक। ये आप देख सकते हैं ऊपर मोंट ब्लांक लिखा हुआ है। अब यहाँ से टिकट ले ली है, अब हम ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपको मैं यूरोप की तमाम खबरों की अपडेट देता रहूँगा जो टूरिस्ट इलाकों के। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।